और चलिए कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे। बात करेंगे छतरपुर से बड़ी खबर की, जहां जमीन के विवाद में दो पक्षों में संघर्ष देखने को मिला। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। मारपीट का वीडियो सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हरपालपुर थाना क्षेत्र के कराठा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर छतरपुर से, और ये देखिए किस तरीके से मारपीट हुई, लाठी डंडे चल गए, दो पक्षों में जमकर मारपीट का ये पूरा मामला छतरपुर से सामने आ रहा है, जहां पर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरपालपुर थाना क्षेत्र के कराठा गांव का ये मामला है, जहां दो पक्ष आपस में भिड़े और एक दूसरे पर लाठी डंडे से, पत्थरों से हमला कर दिया गया। तो जमकर विवाद की ये तस्वीरें सामने आई हैं, वीडियो वायरल हुआ है और न्यूज 18 एक्सक्लूसिव वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जमीन का विवाद और दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं। छतरपुर का ये पूरा मामला सामने आया है। अक्सर ये देखा जाता है कि जमीन विवाद में परिवारों में ही लड़ाई हो जाती है और कई बार इतनी ज्यादा मारपीट हो जाती है कि सिर्फ फुटबॉल की नौबत आ जाती है, लोगों की जान भी चली जाती है। और ऐसे ही कुछ मामला यहाँ पर भी दोनों पक्षों के बीच में जब मारपीट हुई तो एक दूसरे पर ताबड़तोड़ लाठी से हमला किया गया। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी पहुंच गए। एक बार आप भी शोर सुनिए और देखिए किस तरीके के हालात वहां पर बने इस दौरान। तो देखिए ये वीडियो सामने आया है जब लाठी से हमला किया जा रहा है और जो आसपास ग्रामीण है वो चिल्लाते हुए रोकते हुए भी नजर आ रहे हैं। पूरे मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, मामले की जांच हो रही है। जमीन ये पूरा विवाद बताया जा रहा है, जहां दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर एक दूसरे पर हमला किया गया। श्योपुर में वर्धा गांव के पास सीप नदी उफान पर है और रपटे को लेकर लोग लापरवाही में रपटे को पार कर रहे हैं। आराज नदी के पानी के तेज बहाव ने बाइक बहने लगी, जिससे मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बाइक सवारों और बाइक को बचा लिया। शासन प्रशासन का निर्देश है कि मौके पर सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएं, लेकिन सुरक्षा गार्ड भी नहीं है और लोग जान जोखिम में डालकर रपटे को पार कर रहे हैं। ऐसा ही घटनाक्रम लगातार देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जब लोग बाइक में सवार होकर रपटे को पार करने की कोशिश करते हुए नजर आए और इसी दौरान जो बाइक सवार है बाइक सहित रपटे में बहने लगे, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने इन्हें बचा लिया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। आप ये देखिए कि पहले से ही रोक लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से ना कोई आरक्षक तैनात किया गया है, ना कोई रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद है, बल्कि यहाँ पर जो लोग ग्रामीण मौके पर मौजूद है वही लोगों का रेस्क्यू करके उनकी जान बचाते हैं। और इस रास्ते को पार करने के से मना भी किया गया है, लेकिन बावजूद इसके लोगों के पास दूसरा वैकल्पिक रास्ता ना होने की वजह से जान जोखिम में डालकर उन्हें इस रपटे को पार करना एक बड़ी परेशानी बन चुका है। पिछले करीब 5 से 6 दिनों से जिले भर में लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले भर के नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। इस समय हम सीप नदी के किनारे हैं और ये बड़दा रोड है, आप देख सकते हैं जो बड़दा रोड को जोड़ने वाला जो पुल है पानी में डूबा हुआ है। लोग किस तरह से यहाँ पर लापरवाह बने हुए हैं, देखिए पानी में डूबे हुए रप्पे को, पुल को पार कर रहे हैं। इस दौरान कोई भी बड़ी अप्रिय घटना हो सकती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि प्रदेश सरकार का स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा गार्ड की तैनाती नहीं की गई है। इस वजह से लोग लापरवाह बने हुए हैं। लोगों को भी ये समझना चाहिए, क्योंकि जान को जोखिम में डालने वाली बात है कि डूबे हुए पुल को वो लोग पार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समझाने के लिए यहाँ पर सुरक्षा गार्ड नहीं है, इस वजह से लोग लगातार लापरवाह बने हुए हैं। दीपक गंडोतिया, न्यूज 18 श्योपुर। खरगोन में नर्मदा नदी में नहाने के दौरान हादसा हुआ। नहाने के दौरान युवक नदी में डूब गया। गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी है। मौके पर बड़वाह पुलिस भी मौजूद है। बड़वाह थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। खबर खरगोन से है, जहां नर्मदा नदी के में नहाने के दौरान ये हादसा हुआ और नहाने के दौरान युवक नदी में डूब गया। गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुट गई है। मौके पर बड़वाह पुलिस भी मौजूद है। बड़वाह थाना क्षेत्र का ये पूरा घटनाक्रम, देखिए तस्वीरें।
और संवाददाता आशुतोष पुरोहित जुड़ गया। आशुतोष, देखा जा रहा है कि नदी नाले उफान पर, उसके बावजूद लोग इसमें नहाने के लिए उतर रहे हैं। बिल्कुल दीनू, आप सही बोल रही हैं। ये सावेर का युवक है अभिषेक, वे आप ये अपने दोस्त निदेश है, उनके परिजनों के साथ नानी का दशहरा का कार्यक्रम था, उसमें सावेर से आया था। और इस दौरान जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि ओमकारेश्वर बांध के गेट हो चाहे इंदिरा गांधी सागर का बांध के गेट बढ़ रहे, इसे नाव घाट केड़ी और नर्मदा नदी पूरी तरीके से उफान में चल रही, लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। इस दौरान ये गहरे पानी में नहाने चले गए थे, ऐसा बताया जा रहा है कि नीलेश जो युवक डूब रहा था इसको बचाने अखिलेश गया था, अभिषेक गया था, और अभिषेक इस दौरान वो उसका पैर फिसला और वो अंदर गहरे पानी में चला गया, डूब गया। लगातार स्थानीय गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की टीम जो है उसकी तलाश कर रही, लेकिन अभी तक जो युवक डूबा हुआ वो मिला नहीं है। ये साबिर से पहुंचा था और स्थानीय पुलिस भी वहां मौजूद है, लगातार उसकी सर्चिंग की जा रही है। रीनू जी, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष तमाम जानकारी के लिए। तो अब सर्चिंग की जा रही है और जानकारी ये भी मिल रही है कि जो युवक है वो पानी में नहाने के लिए उतरा था और अचानक से वो गहरे पानी में चला गया और इस वजह से वो डूब गया है। हालांकि लगातार कोशिश की जा रही है उसको ढूंढने की, लेकिन एक बार फिर से आप सभी से अपील है कि गहरे पानी में या किसी भी जल बहाव जैसी जगह पर आप ना जाएं, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, मुरैना का मामला है। रुक रुक कर हो रही बारिश से तालाब ओवरफ्लो हो चुके हैं और ओवरफ्लो तालाब एक जगह से फूट गया। तालाब फूटने की वजह से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है, सैकड़ों बीघा खड़ी बाजरा और तिली की फसल बर्बाद हो गई है। देर रात कलेक्टर ने भी तालाब का निरीक्षण किया। सबलगढ़ के टोंगा ग्राम पंचायत में ये तालाब बना हुआ है और आप ये देखिए पहली तस्वीरें, जो तालाब है वो पूरा ओवरफ्लो हो चुका है और उसके बाद ये पूरी घटना कि पूरा पानी किसानों के खेतों में चला गया और किसानों की लहलहाती फसल पूरी तबाह हो गई है। हालांकि यहाँ पर एक दूसरा मामला भी सामने आ रहा है जहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी का ये कहना है कि किसानों ने खुद ही, जो ग्रामीण है उन्होंने खुद ही यहाँ पर होल कर दिए हैं दीवार में, जिससे पानी बहने लगा है और इस वजह से ये पानी किसानों के खेतों तक जा पहुँचा है। अलग अलग दलीलें दोनों पक्षों से दी जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश के पानी की वजह से किसानों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। और एक बार फिर से आप ये तस्वीरें देखिए, जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से पानी जा रहा है उससे किसानों की फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है। और अब बात करेंगे डेंगू के डंक की, जहां ग्वालियर में डेंगू का असर और ज्यादा देखने को मिल रहा है। डेंगू के दो नए मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कि डेंगू के दो मरीजों में पुष्टि हुई है, जीआरएमसी की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिली है। 47 संदिग्ध के सैंपल लिए गए थे और इनमें से दो लोगों में डेंगू की पुष्टि मिली है। 5 साल का मासूम बच्चा है, 18 साल का एक युवक है जिसे डेंगू हुआ है। ग्वालियर जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 148 हो गई है और आप ये देखिए, ये वो आंकड़े हैं जो कि अभी स्वास्थ्य विभाग की नजरों में है, जिनका इलाज हो रहा है। न जाने कितने ऐसे और मामले होंगे जो कि अभी स्वास्थ्य विभाग की नजरों से दूर हैं और इलाज भी नहीं हो पा रहा है, और यही कारण है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि अपने आसपास साफ सफाई रखें ताकि डेंगू जैसे खतरे से बचा जा सके। तो मध्य प्रदेश का ग्वालियर इस वक्त डेंगू की चपेट में है, जहां पर कुल 148 मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में जीआरएमसी की रिपोर्ट में दो मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है, जिसमें 5 साल का मासूम बच्चा और 18 साल का एक युवक शामिल है, और 47 संदिग्ध के सैंपल लिए गए थे और इनमें से दो लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। आपको अगर बुखार, सर्दी, जुकाम, बदन दर्द, कैसे भी हालत होती है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ग्वालियर के बाद इंदौर में भी तेजी से डेंगू पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटे में डेंगू के 11 मामले सामने आ गए और अब तक 212 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। अब तक 22 बच्चे भी डेंगू के शिकार हो चुके हैं। जहां जहां लार्वा मिला वहां ड्रोन से सर्वे होगा और दवाई का छिड़काव किया जा रहा है ताकि इस डेंगू से जितना ज्यादा हो सके बचाव किया जा सके। अब आपसे भी यह अपील, नगर निगम लगातार कर रहा है कि गंदा पानी इकट्ठा ना होने दे। डेंगू मुख्य वजह है, मच्छरों का लार्वा पनपता है और इस वजह से डेंगू जैसा खतरा बढ़ जाता है। दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, अपने घर के अंदर मच्छरों को बिल्कुल भी ना आने दें और नेट का इस्तेमाल करें, जो मच्छरों के खिलाफ दवाइयों का इस्तेमाल होता है उसे इस्तेमाल करें। 212 मरीज कुल डेंगू से पीड़ित हैं।
और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।